एक आर्टिस्ट का मर्डर हो जाता है। इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्टिव की एक्स गर्लफ्रेंड भी इन्वॉल्व है, तो सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अलग अलग सीक्रेट्स ये बाहर निकलने लग जाते हैं। आज की हमारी मूवी जेड ये बहुत ही अच्छी मर्डर मिस्ट्री है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट दोनों कर दीजिएगा, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें आर्टिस्ट का घर दिखाया जाता है। हमें उसकी चीखें सुनाई देती है कि प्लीज ऐसा मत करो। इसके बाद हम डायरेक्टली एक डांस बॉल देखते हैं। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर रीना और मैट, जो हस्बैंड वाइफ है, ये डांस कर रहे हैं। मैट एक लॉयर है और वो एक कल्प्रिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीना नहीं चाहती कि अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करे, पर वो मानने नहीं वाला। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर दोनों कुछ ना कुछ काम से बिजी है। इसी पार्टी में हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है डेविड, इसको भी हम देख सकते हैं। डांस करते करते डेविड मैट से एक्सक्यूज लेकर टीना के साथ डांस करता है। वो टीना को कहता है, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। इनमें अब जो कन्वर्सेशन है ये थोड़ी सी ऑकवर्ड है, क्योंकि डेविड और टीना पहले डेट करते थे। डेविड ट्रीना से बहुत प्यार करता था, पर बाद में इनका ब्रेकअप हुआ और ट्रीना ने मैट से शादी कर ली। डेविड और मैट ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। ट्रीना कहती है, तुम्हें इनवाइट करने का प्लान मैट का था। डेविड उसे कहता है, क्या आजकल सब कुछ मैट का ही आइडिया होता है? बाय द वे, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। इन्हें इंटरप्ट कर कर फिर से मैट ट्रीना के साथ डांस करने लगता है। डेविड एक डिरेक्टिव है, उसे अपने ऑफिस से कॉल आता है, उसे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। पार्टी से जाते वक्त मैट ने उसे नोटिस किया और पूछा, क्या हुआ, मुझसे क्या कुछ गलती हो गई? डेविड ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आर्टिस्ट की डेथ हो चुकी है जिसका नाम डेविड मैट को बताता है। मैट उसे पर्सनली जानता था, उसे बहुत बुरा लगता है। ट्रीना को भी शॉक लगा है, वो कहती है कि आज सुबह ही मैं उसे मिलकर आई थी। डेविड जब क्राइम सीन पर पहुंचता है तो बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया है। एक हैचेट से उसे मारा गया था। आर्टिस्ट को लटका दिया गया है और उसके फेस पर मास्क भी था। डेविड को बताया जाता है कि मैट को ही डेड बॉडी मिली थी। वो एक मूवी देखने के लिए गई हुई थी, जब वो वापस आए तो उसने डायरेक्टली डेड बॉडी ही देखी। इस मर्डर सीन से अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट आकर सब सैंपल वगैरह लेकर जाते हैं। डेविड जब आर्टिस्ट का रूम देखता है तब वहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस पड़े हुए है। इसमें हेयर्स है। एक बॉक्स पर अजीब सा निशान है जिसका मतलब उसे नहीं पता। सब चीजें वो बारीकी से देख रहा था तो उसे एक इयररिंग मिली। ये इयररिंग उसने पहले कभी देखी है। सब एविडेंस लिए जा रहे थे तो अपनी फ्रेंड को कहता है कि इसे एज ए एविडेंस तुम मत रखना, इसे अपने पास ही तुम रखो। अब यहाँ से जाते हुए डेविड से कुछ पुलिस बात करते हैं, कहते हैं तुम्हारे लिए तो ये केस बहुत ही अच्छा हो गया। एक्चुअल में डेविड को एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बनना है, इसीलिए उसे अच्छे वोट्स चाहिए। अगर उसने सही से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो उसके डीए बनने के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड एक चाइना टाउन के अंडरग्राउंड गैम्बलिंग के जगह पर आया हुआ है। उसे जो स्मॉल बॉक्सेस मिले थे, स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर जो साइन बना था, इस साइन के बारे में वो वहाँ पूछता है। एक आदमी इस साइन के बारे में जानता है, उस पर जेड ये नाम लिखा हुआ है। डेविड उस चाइनीज आदमी से पूछता है, क्या तुमने इसे इंग्रेव किया था? वो कहता है कि नहीं, इसे बनवाया गया था पर इसे उसने सेल किया था। वो कहता है कि एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी था, उसने एक ब्यूटीफुल वुमन के लिए बाय किया था। अब नेक्स्ट सीन में डेविड और मैट को हम एक साथ चर्च में देख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है ये एक अच्छे फ्रेंड्स है। मैट डेविड से कहता है, ये जो केस है ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा केस है, जो तुम हमेशा से चाहते थे। ये दोनों एक दूसरे से ट्रीना को लेकर भी मजाक करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में सब कुछ डिस्कशन हो रही है, ये सब हम देख सकते हैं। यहाँ पुलिस को पता चला है कि आर्टिस्ट को मनी प्रॉब्लम थे। इन्हें उसके घर के सेफ से एक कैमरा रोल भी मिला था। इस फोटो में डेविड देखता है गवर्नर एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। गवर्नर बहुत ही पावरफुल है तो पुलिस इसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती, पर डेविड मानता नहीं। ये लड़की कौन है इसका पता अब वो निकालने वाले हैं। डेविड खुद जाकर गवर्नर से बात करेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट और डेविड गेम खेल रहे हैं। मैट यहाँ डेविड को एक ऑफर देता है, कहता है अगर तुम मेरे साथ आकर काम करोगे तो पावर और पैसा ये दोनों चीजें मिलेगी। डेविड टीए बनना चाहता है, पर मैट ने अभी अभी जो ऑफर दी है ये उससे भी अच्छी है। डेविड को जो भी सब चाहिए वो अभी के अभी मिल सकता है, पर वो इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड गवर्नर से मिलने के लिए आया हुआ है।
वो जब सब फोटो गवर्नर को दिखाता है तो गवर्नर उस पर बहुत चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं, अगर इस केस में मेरा थोड़ा भी नाम आया तो पूरा करियर में तुम्हारा तबाह कर दूंगा। तुमने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया होगा ऐसा तुम्हारा हाल होगा। डेविड भी इस चीज के लिए मान जाता है, गवर्नर का नाम इस केस में कभी भी नहीं आएगा। डेविड गवर्नर से पूछता है, क्या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा था? गवर्नर कहते हैं, मुझे कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वो बहुत ही डेंजरस है। ट्रीना एक ऑथर है, अपनी बुक का प्रमोशन करने के लिए अलग सिटी में वो आई हुई थी। वो मैट से दूर है तो रात में उसे कॉल करती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी। मैट इस मैसेज को सुनता है और वो किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है ये हम देख सकते हैं। डेविड गवर्नर से मिलने के लिए गया था तो उसके बॉस उस पर बहुत ही नाराज है, वो उसे इस केस से हटा देना चाहते हैं। पर डेविड कहता है, अगर आपने ऐसा किया तो सारे फोटोज पब्लिक में चले जाएंगे, तब बहुत ही बड़ा ट्रबल हो जाएगा। अपने बॉस को भी धमका कर वहां से चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को एक घर का पता मिला है। यहाँ पर जाकर सब चीजें वो देखते हैं तो यहाँ अलग अलग सेक्स टॉयज पड़े हुए हैं। एक रूम में ऊपर हिडन कैमरा भी लगाया हुआ था। इसे घर के नेबर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, उसके पास एक स्कोप था जिससे हमेशा इस घर पर नजर रखा करता था। डेविड फिर उसके पास पहुंचता है। गवर्नर के साथ जो लड़की थी उसी लड़की की इमेज वो इस आदमी को दिखाता है और ये आदमी इसे पहचान जाता है। कहता है, यहाँ आया करती थी। अब इस लड़की को ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके सब रिकॉर्ड्स वगैरह निकाले जाते हैं और अभी करंटली चाइना टाउन में एक ब्यूटी पार्लर में वो काम कर रही है। पिछले 2 सालों में अलग अलग ट्रबल की वजह से उसने बहुत सारे जॉब्स छोड़े हुए हैं। जब वो उसे मिलने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो वहां से वो भागने की कोशिश करती है। वो रन करते हुए बहुत दूर तक जाती है पर डेविड फाइनली उसे पकड़ ही लेता है। जब वो उस लड़की को चेस कर रहा था तो उसके फेस पर बहुत सारी इंजुरी हो गई। इस लड़की का नाम पैट्रिस है। पैट्रिस कहती है, मुझे मेरे लॉयर को कॉल करना है, तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया है ये सब मुझे उसे बताना है। डेविड उससे बात करता है, कहता है, तुम्हें अगर लॉयर से बात करनी है तो तुम कर सकती हो, पर हमें पता है तुम गवर्नर के साथ हुआ करती थी, तुम्हारे उसके साथ इंटीमेट होते हुए फोटोज है। गवर्नर पावरफुल आदमी है, अगर तुमने लॉयर को सब कुछ सच बताया तो फोन काट देगा, तुम्हारी केस वो कभी भी नहीं लेने वाला। अब पैट्रिस के पास कोऑपरेट करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। सब कुछ फिर वो बताने लग जाती है। पैट्रिस आर्टिस्ट के साथ भी इन्वॉल्व थी, वो कहती कि मैं एक पार्टी में उससे मिली थी। वो फिर उसे उसके सीक्रेट हाउस में लेकर गया, बाद में वो उसके साथ काम करने लग गई थी। आर्टिस्ट ने उसे गवर्नर से मिलवाया था और वो उसे उसी घर में लेकर गई। इसके लिए उसे बहुत ही अच्छे पैसे मिले थे, पर उसे नहीं पता था कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। पैट्रिस कहती है कि उस हाउस पर मैं जिन भी लोगों से मिली वो हमेशा जेड का नाम लेते थे। जेन जिस तरह से उनके साथ इंटीमेट होती थी इसके प्यार में सब लोग थे। अभी जेड कौन है एक मिस्ट्री बन चुकी है। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, डेविड जब घर जा रहा था तो अचानक से उसके गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। गाड़ी को कंट्रोल करते करते उसका एक माइनर एक्सीडेंट भी हो गया। हॉस्पिटल में उसे पुलिस मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक जानबूझकर फेल किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिस्ट के घर में पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे। उन्होंने इस फिंगरप्रिंट्स को अपने डेटाबेस से मैच किया तो एक लड़की की फाइल्स उन्हें मिली है। डेविड जब इस लड़की की फोटो देखता है तो ये ट्रीना ही है। वो कन्फ्यूज्ड हो जाता है कि ये हुआ क्या। इसके बाद जो बूढ़ा आदमी अपने टेलीस्कोप से सब देखता रहता था उसके पास डेविड पहुंचता है। जब वो उसे ट्रीना की फोटो दिखाता है तो ये आदमी उसे पहचान जाता है। वो कहता है, इसको तो मैंने बहुत बार इस हाउस में देखा हुआ है। इस कन्फर्मेशन के बाद डेविड डायरेक्टली फिर मैट के पास पहुंचा। डेविड कहता है कि मुझे ट्रीना से बात करनी है। मर्डर वेपन पर ट्रीना के फिंगरप्रिंट्स है। मैट उसे समझाता है कि ट्रीना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उसने खुद कहा था कि जिस दिन मर्डर हुआ था तो आर्टिस्ट से वो मिलने के लिए गई हुई थी, शायद उसने वहां हैचेट भी देखा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कल लंच पर आना और एज अ फ्रेंड तुम सब क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो। डेविड भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे फिर डेविड लंच पर आकर ट्रीना से क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि आर्टिस्ट के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी थी। वो कहती है कि हम दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, उनकी रिलेशनशिप ये बहुत ही फॉर्मल थी। डेविड पूछता है, क्या तुम कभी उससे अकेले में मिली हो? तो कहती कि एक बार जब उसका मर्डर हुआ उसी दिन सुबह में उससे मिलकर आई थी। डेविड फिर डायरेक्टली पूछता है कि उसके साथ तुम्हारी कोई फिजिकल रिलेशनशिप थी। इस पर वो चिढ़ जाती है, कहती है, हमारा रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल था। उससे फिर पूछा जाता है, जिस दिन वो आर्टिस्ट से मिली थी उसके बाद घर आने पर क्या घर में कोई था, यानी कि वो घर पे थी, या कोई बता सके?
ऐसा कोई भी नहीं था। उस दिन आफ्टरनून से लेकर रात तक उसे किसी ने भी नहीं देखा। यह बहुत ही सस्पिशियस है। डेविड जब सबसे बात करता है तो उन्हें भी लगता है कि टीना ने ही मर्डर किया है। उसके फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पर हैं और आफ्टरनून के बाद वो किसके साथ थे यह हमें नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैट टीना के साथ इंटीमेट होने लगता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टीना इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। इंटीमेट होते वक्त उसके आंख में आंसू है। पुलिस को आर्टिस्ट के घर में एक टेप मिली थी जिसे जलाया गया था। इस टेप को रिकवर करते हैं और इसमें कुछ इमेजेस वो देख सकते हैं। जब डेविड इस टेप को देखता है तो वहाँ उसे टीना दिख जाती है। अब वो टीना ही है ये वो कंफर्म करना चाहता है। पिट्रिस ने डेविड को कहा था बीच हाउस पर जिस भी आदमी के साथ वो इंटीमेट होती थी वो जेड को ही चाहता था। जेड ये इस मूवी की मिस्टीरियस कैरेक्टर बन चुकी है। डेविड को अब लगता है कि टीना ही जेड है। ये कन्फर्म करने के लिए पिट्रिस को एक जगह पर वो बुलाता है। उसके पास आने के लिए रोड क्रॉस ही कर रही थी तभी एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया। टू मेक श्योर वो गाड़ी फिर से वापस आए और उसे फिर से कुचला। डेविड फिर भागते भागते गया और उसने इस गाड़ी का पीछा किया। इनकी चेस दूर तक चले। फाइनल इस कार ने डेविड को ही ठोक दिया और उसके बाद वो वहां से चली गई। डेविड के कलीग को लगता है कि बेट्रिस को इस सब में उसने इन्वॉल्व किया, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। डेविड इस पर बहुत ही चिढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड ने अपनी कलीग को एक ईयरिंग छुपाने के लिए कहा था। उसकी कलीग कहती है अगर मैंने इसे एज ए एविडेंस लॉक नहीं किया तो मैं ट्रबल में आ सकती हूँ। पर डेविड उसे समझाता है तुम्हें कुछ ट्रबल हो, ऐसा मैं कभी भी नहीं करूँगा। अब जब पुलिस फिर से डिस्कस करते हैं तो पैट्रिस को जिस गाड़ी ने उड़ाया था उसी टाइप की गाड़ी टीना चलाती है। इसके पैरेलल में हम देखते हैं कि डेविड के पास गवर्नर के लोग आए हुए हैं। डेविड के पास गवर्नर पैट्रिस के साथ इंटीमेट हो रहा था इसके फोटोज हैं, इसकी ओरिजिनल कॉपीज वो चाहते हैं। डेविड अभी इस ओरिजिनल को देने के लिए उन्हें मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीना को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। अब इस बार टीना से जब वो पूछते हैं कि आर्टिस्ट के साथ तुम्हारी कोई रिलेशनशिप थी तो अभी भी टीना इसके लिए मना करती है। तो इसके बाद डायरेक्टली उसकी टेप वो लगाते हैं। वो फिर कन्फेस कर डालती है। वो कहती है आर्टिस्ट और मैं एक पार्टी में मिले थे, मैं बहुत ही ड्रंक हो गई और उसके साथ घर चली गई। हम दोनों इंटीमेट हो गए थे तो शायद उसी टाइम ये टेप ली गई होगी। कहती है कि मैं सिर्फ एक बार उसके साथ इंटीमेट हुई हूँ, मुझे और कुछ भी पता नहीं है। टीना के खिलाफ जो भी सब सबूत है तो डेविड उसे सब कुछ क्लियर करता है। यहाँ पर मैट टीना को डिफेंड करता है। वो कहता है ये सब बकवास है, अगर तुम उसे चार्ज करना चाहते हो तो अभी क्या भी करो, पर डेविड ये नहीं कर सकता। तो टीना को लेकर मैट वहां से चला जाता है। घर आने पर उसे पूछता है तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। टीना कहती है तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे अफेयर्स के बारे में पता नहीं है। अलग अलग होटल्स में तुम जाते हो, कभी कभी अपने ऑफिस में भी तुम किसी और के साथ इंटीमेट होते हो, मुझे इस सब के बारे में पता है। मैट कहता है क्या उसी वजह से तुमने ये सब किया। ये सीन यही खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिस गाड़ी से पेट्रिस को मारा गया था ये डेविड को मिल चुकी है। ये गाड़ी चोरी की थी। टीना और इस गाड़ी में कोई भी लिंक नहीं है। अब डेविड को लगता है टीना को कोई फंसाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड और टीना इंटीमेट हो रहे हैं। टीना उसे पूछती है मैं किसी और के साथ थी, क्या इसी वजह से तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। वो इस पर बहुत ही चिढ़ जाता है, कहता है कभी भी इस तरह से मुझसे बात मत करना, इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही डैमेज्ड हो चुकी है। रात में टीना डेविड से मिलने के लिए आती है। डेविड को कहती है ये दूसरे लोगों के बारे में मैट को नहीं पता। वो डेविड को समझा रही है कि मैंने ये सब मर्डर नहीं किया। वो यहाँ पर डेविड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, यानी डेविड उसके साइड में आ जाए, पर डेविड उससे दूर हो जाता है। कहता है तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। टीना इस पर चिढ़ कर उसे स्लैप मार कर वहां से चली जाती है। डेविड को कॉल आता है उसके बॉस का भी मर्डर हो चुका है। इसके बाद डेविड जब रात में घर आया तो मैट ऑलरेडी वहां था। टीना डेविड के पास आई थी ये मैट को पता है। उसे लगता है ये इन दोनों में अब अफेयर हो चुका है। ये उसे कन्फ्रंट कर रहा था तभी डेविड को टीना का कॉल आया उसके घर में कोई है। घर में कोई घुस गया था और टीना को मारने की कोशिश कर रहा था। घर की मेड को भी मार दिया गया है। डेविड और मैट ये जल्दी से वहां पहुंचते हैं। एक्चुअली घर में दो लोग हैं, इन दोनों से वो लड़ते हैं। इनके सर पर मास्क था। जब डेविड ये देखता है तब नोटिस करता है उसके ही कलीग ये थे। टीना को अब उसने बचा लिया है। डेविड ने अब फिगर आउट किया यह सब गवर्नर ने ही करवाया हुआ है। गवर्नर के बारे में जिन भी लोगों को पता है वो सब अब मर चुके हैं, इसमें सिर्फ टीना जिंदा है।
डेविड फिर डायरेक्टली गवर्नर के पास पहुंचता है। उन्हें कहता है कि अगर ट्रिना को कुछ भी हुआ तो सब कुछ तुम्हारे करियर में बर्बाद कर दूंगा। तुमने अब तक जो भी किया है ये सब मैं इग्नोर कर दूंगा, सिर्फ ट्रिना सेफ रहनी चाहिए। अब ये पूरा केस क्या था इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आर्टिस्ट को गैम्बलिंग की आदत थी और इसी वजह से वो मनी की प्रॉब्लम में आ चुका था। उसके गवर्नर के साथ और भी बड़े बड़े आदमियों के साथ कनेक्शंस थे। उन्हें वो लड़कियां सप्लाई करता था। उन लड़कियों के साथ जब वो इंटीमेट होते थे तो उनकी फोटोज भी निकाल लेता था। इन फोटोज से उन्हें ब्लैकमेल करता और बहुत सारे पैसे ले लेता। इन लड़कियों में पैट्रिस और ट्रिना भी शामिल थी। ट्रिना एक अलग नाम जेड से ये सब बिजनेस करती थी। उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा था तो उससे बदला लेने का ये एक वे था। अभी तक आर्टिस्ट का मर्डर किसने किया है यह हमें पता नहीं चला। मूवी का लास्ट सीन आता है और ट्रिना अपने रूम में जो भी लोगों के साथ वो इंटीमेट हुई थी इन सब के फोटोज देख सकता है। ट्रिना की एक इयररिंग गायब है जो आर्टिस्ट के पास डेविड को मिली थी। इस इयररिंग का बॉक्स मैट के पास है। इन सब में मैट पहले से ही इन्वॉल्व था। उसे ट्रिना के बारे में पता चल चुका था। गुस्से गुस्से में उसने आर्टिस्ट को मार डाला। ये सब रैकेट एक्सपोज हो सकता है इसलिए सब कनेक्टेड लोगों को उसने मार डाला। ट्रिना भी सब कुछ अब समझ चुकी है। मैट उसके पास आकर उसे कहता है नेक्स्ट टाइम जब हम बेड में होंगे तो मुझे तुम जेन से मिलवाना। यानी कि ट्रिना अब हमेशा के लिए उसके साथ फंस चुकी है। ये मूवी इसी ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।